कौन सा सहाफी लिफाफे वाला कौन सा सादा। इतनी संजीदा प्रेस कॉन्फ्रेंस में अचानक होने वाले सवाल ने सबको हंसने पर मजबूर कर दिया। DGISPR लेफ्टिनेंट जनरल बाबर इफ्तखार और DGISI लेफ्टिनेंट जनरल नदीम अंजुम की प्रेस कॉन्फ्रेंस के दौरान मारूफ सहाफी सलीम साफी ने सवाल पूछ लिया। एक सर, आजकल एक लीडर हमें कह रहे हैं कि जी लिफाफी हैं और ये सहाफत वाले लिफाफे लेते हैं, आपकी एजेंसी के पास सारे रिपोर्ट्स होंगे, तो अगर मेरे बारे में बाकियों के बारे में आप हमें, यानी मेरी तरफ से बिल्कुल रिक्वेस्ट भी है, इजाज़त भी है कि हम में से कौन कौन लिफाफे लेने वाले हैं और कौन कौन नहीं है। सलीम साफी के सवाल पर हॉल में मौजूद साथी सहाफी तो मुस्कुरा दिए, लेकिन DGISPR और DGISI बड़ी मुश्किल से अपनी हंसी पर काबू रख सके। कुछ देर के लिए खामोशी तारी रही। DGISI ने जवाब में साफ बता दिया कि कौन सा सहाफी लिफाफे वाला है और कौन नहीं। मैं इस नजरिए के खिलाफ हूँ। पाकिस्तान के सहाफी बहुत मुश्किल, दुश्वार, खदशात और खतरात के बावजूद अपना काम बहुत अच्छा अंजाम दे। मैं वजीरिस्तान में भी रहा हूँ, ज़रब हज में भी रहा हूँ, रद्दल फसाद में, मैंने बलूचिस्तान के दूर दराज इलाकों में, पहाड़ों में देखा है हमारे सहाफी अपनी जान को खतरे में डाल के अपने जवानों अफसरों के साथ ऑपरेशन की फ्रंट लाइन तक के। सो मैं इस नज़रिए की मजम्मत करता हूँ। हमारा कोई सहाफी ऐसा नहीं है जिसको मैं बहसीयत DGISI लफाफा कह सकूँ। DGISI ने कहा कि पाकिस्तान के सहाफी काबिले तारीफ हैं, जो मुश्किल हालात के बावजूद भी अपना काम भरपूर अंदाज से करते हैं।